नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक की चैनल में हूं शंकर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये भी, कि क्या होता है कि कई लोगों ने बार बार पूछते रहते हैं कि यार हमारा फोन जो है इतना महंगा है फिर भी हैंग होने लग जाता है, या फिर इतना महंगा है उसके बावजूद यार इसकी इतनी 64 GB स्टोरेज होने के बावजूद भी यार ऑटोमेटिक ही जो इसकी स्टोरेज फुल हो जाती है। क्या चक्कर है यार, मेरे पास तो कुछ वीडियो भी नहीं है, कुछ फोटोज भी नहीं है, वो क्यों फुल हो रहा है। तीसरी चीज हम इसमें लेंगे कि आपकी बैटरी जो है क्यों डैमेज हो रही है, आपकी बैटरी कम कैसे चलने लग गई है, कब डैमेज हो जाती है, आपका फोन को सेफ रखने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और आपको अपने फोन की जो है सेफ्टी के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, इन सभी बातों में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल न्यूटेक जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मिलती रहेगी। तो आप जल्दी से घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपके फोन की भी घंटी बज जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इस फोन को जो है साइड में रख देता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपने जितने भी एप्लीकेशन है वो आपके बिगर फालतू के नहीं रखने हैं। जैसे कि यार कई एप्लीकेशन होते हैं कि जिन पे बताया गया है कि यार ये वाला एप्लीकेशन हो गया, जैसे टिकटॉक हो गया, जैसे व्हाट्सएप वेब हो गया, शेयर चैट हो गया, हेलो ऐप हो गया, और भी बहुत सारे ऐप है जो हो गए जो कि काफी ऐड देते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये आपकी स्टोरेज को बैकग्राउंड से उसको जो है खत्म करते रहते हैं, उसका जो है बैकग्राउंड जो है बैकअप जो उसका खत्म करते रहते हैं, साथ ही बैटरी का भी बैकअप जो है काफी कम कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर लाइव ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपको पता तक नहीं चलता, क्योंकि इन पर दिन भर सारी हरकतें होती रहती है। मतलब दिन भर कई लोग जो है इन पर ऑनलाइन रहते हैं, लगभग दिन में 24 घंटे जो इस पर ऑनलाइन लोग रहते हैं, उसके कारण जैसे इस तरह के ऐप जो है आपके फोन को डैमेज करते हैं, आपके फोन की रैम को नुकसान पहुंचाते हैं, और आपकी रोम जो है आपकी जो फोन मेमोरी है उसको भी बढ़ते रहते हैं, काफी बहुत ज्यादा बढ़ देते हैं, और आपकी उससे आपकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मैसेज वगैरह हो गया, अपने जो लिखित में जो मैसेज है उन पर आप कभी ध्यान नहीं देते, मतलब जो आपके राइटेड मैसेज है आपके जो लिखे हुए मैसेज है उन पर आप कभी ध्यान नहीं देते, उनसे आपकी स्टोरेज काफी फुल होने लग जाती है। अब दूसरी बात आ जाती है एंटीवायरस। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ है आपके साथ ये कि एंटीवायरस आपके फोन को सेफ रखता है, बिल्कुल नहीं रखता, बहुत बड़ा झूठ है। मैं तो ये कहता हूँ कि लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी एंटीवायरस एक झूठ ही है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों झूठ है, लेकिन मोबाइल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, कोई भी कंपनी हो आपकी उसको फोन कीजिए, उसको फोन करने के बाद में ये बोले कि यार मेरा फोन हैंग हो रहा है, पहले से जो है अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले जो वो आपको ये पूछेगा कि आपके फोन में एंटीवायरस तो नहीं रखा है ना, आपने कोई सा एंटीवायरस तो इंस्टॉल करके नहीं रखा है ना, बिल्कुल पूछेगा। मैंने 2-3 कंपनियों से बात करके रखी है, आप चाहे तो खुद पूछ सकते हैं, मैंने बहुत बार बात की है, बिल्कुल यदि आप चाहते हैं लाइव प्रूफ दूं तो मैं अगली बार इसमें लाइव प्रूफ भी आपको दे दूंगा। तो इस बात का जो है आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, एंटीवायरस कोई भी इंस्टॉल नहीं करना है। अब दूसरी चीज आ जाती है, हम बैटरी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बैटरी क्यों डैमेज होती है। देखिए बैटरी डैमेज होती है, एक तो सीधा सीधा कारण है, अपना जो है पर्टिकुलर चार्जर यूज करिए, यदि आपने अपने फोन का जो चार्जर साथ है वही चार्जर यूज करिए, यदि वो खो जाता है तो आप ओरिजिनल चार्जर ही मंगवाए बार बार, यार कभी इमरजेंसी में आप क्या करते हैं कि दूसरे चार्जर से लगा लेते हैं, यदि आप लगाते भी तो 10 या 5 मिनट के लिए, जितना आपका काम चल जाए उतना ही लगाइए, वरना दूसरे चार्जर से आपको चार्ज नहीं लगाना है, ये आपकी बैटरी को डैमेज करता है। यदि इसका भी आपको जो है प्रूफ चाहिए तो आप कंपनी में किसी भी कंपनी में फोन कीजिए, उससे पूछिए कि यार मेरी बैटरी बहुत ही जो है धीरे कम चल रही है, बहुत ही जो है स्लो हो रही है, तो पहला आपको वो ये पूछेगा आपसे कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया चार्जर ही आप यूज करते हैं या कोई दूसरा चार्जर यूज करते हैं। दूसरा चीज, आपकी फोन की बैटरी डैमेज होती है, आपकी 24 घंटे आप अपने डेटा को ऑन रखते हैं, लेकिन यार क्या करें, ऐसा काम ही ऐसा हो जाता है कई बार कि डेटा को हमें ऑन रखना पड़ता है, लेकिन चलिए डेटा को ऑन रखना पड़ता है ये अच्छी बात है, लेकिन डेटा शेयरिंग का इतना काम मत कीजिए अपने फोन से। इसलिए तो वाईफाई राउटर्स आते हैं, क्या करते हैं हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, उनसे साउंड वगैरह का सिस्टम सुनता रहता है, तो क्या करते हैं कि हॉटस्पॉट वगैरह को आपको जो है ज्यादा यूज नहीं करना है, 24 घंटे के लिए यूज नहीं करना, मतलब यार लगातार आप उसे देते जा रहे हो, डेटा शेयरिंग हो रही है, उसी के साथ आपके मोबाइल में वायरस जो है प्रवेश कर जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, और आपकी बैटरी को जो है डैमेज कर देते हैं।
तो आपको इसका ध्यान रखना है, अपने आप से शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब इंटरनेट शेयरिंग तो बहुत ही कम करनी है। आपके पास वाईफाई ज्यादा आ गया, यदि आपका वर्क है तो वाईफाई राउटर्स यूज कीजिए, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन यार आप 24 आवर्स अपने ब्लूटूथ को ऑन रखेंगे, हॉटस्पॉट को ऑन रखेंगे, कई कई महाशय है जो अपनी लोकेशन को ऑन रखते हैं, क्या पता उनको तो पता नहीं कौन सा खतरा आ जाएगा एकदम से, जो उनको उठाकर ले जाएंगे तो कैसे ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक भाई मोबाइल नंबर होता है, जिनको करना होगा वो आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं ट्रैक करने के, लोकेशन ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो उसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, डेटा शेयरिंग बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, अपने जो डेटा केबल है उनको जिस पीसी से जोड़े आप उस पीसी में ध्यान रखें कोई वायरस तो नहीं है, उस वो पीसी आपके लिए सेफ है या नहीं है। यदि आप पीसी से जोड़ते हैं तो दिन भर यही काम मत रखिए या उसी से गाने डालना, वैसे तो इंटरनेट है डाउनलोड कीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए सॉन्ग वगैरह आपको चाहिए होता है तो। और ये जो जेंडर वाला जो फंड है बहुत ही नुकसानदायक आपको दे सकता है, क्योंकि ये हॉटस्पॉट भी ऑन कराता है, स्कैन भी करवाता है और ब्लूटूथ भी कई बार ये ऑन कर देता है, यदि आप इसके पिछले अपडेट देखोगे तो इस शेयरिंग का काम भी आपको बहुत करना कम करना है, जिससे क्या होगा आपकी बैटरी डैमेज नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी। यदि आपकी बैटरी डैमेज हो भी जाती है तो आपको क्या करना होगा कि कभी कभार कम चलने लग जाती है, तो उसका क्या कारण है कि आपको क्या करना, अपने फोन को रिकवरी मोड में लाना होगा। रिकवरी मोड जो है आप गूगल से पूछिए कि आपके फोन का सबका अलग अलग रिकवरी मोड होता है, व्हाट इज माय रिकवरी मोड, ये सब गूगल में टाइप कीजिए तो वो आपके मोबाइल का जो है नाम पूछिएगा, वहां से आपके मोबाइल का रिकवरी मोड आ जाएगा। तो आपको रिकवरी मोड में रखने के बाद में आपको 0% से 100% तक उसे रिकवरी मोड में ही चार्ज करना है स्विच ऑफ करके। उसके बाद में क्या होगा कि आपका फोन जो है बैटरी जो भी मतलब सिस्टमेटिक जो भी वायरस है वो हट जाएंगे। तीसरी चीज, यदि आप अपने फोन की सेफ्टी रखना चाहते हैं तो आपको जो है 2 महीने या 3 महीने से अपने फोन को फैक्ट्री रिसेट करना होगा, अपने डेटा का बैकअप हमेशा बनाए रखें। अब यार डेटा का बैकअप बनाने के लिए गूगल जो है ड्राइव दे रखा है ना यार, ऑनलाइन रखिए अपने डेटा को, जो भी इंपोर्टेंट डेटा है, यदि 15 GB तक तो फिर ही देता है, यदि 15 GB से ज्यादा तो दूसरी मेल बना लीजिए, मेल थोड़ी कहता हूँ आप परचेज कीजिए, दूसरी मेल बना लीजिए, वहां पर आप अपने डेटा को जो है सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फोन की जो है सेफ्टी रख सकते हैं। दूसरी बात और बता दूं कि आपको अपने फोन पर इस तरह के कोई वॉलपेपर नहीं रखने हैं जो लाइव चलते हैं, दिखने के लिए बहुत शानदार चलते हैं। तीसरी चीज है, सॉरी जो है पांचवी सिटी होगी, तो आपको क्या करना है अपनी ब्राइटनेस को जो है कम रखना है, ब्राइटनेस को हमेशा जो है डाउन रखना है, और जो आपके क्विक एक्स मतलब ऊपर वाला जो बार है जिसे आप इस जैसे जो है सर्किट करके रखते हैं उसको कम करना है। अब एक चीज जो है मोबाइल से मैं आपको बता देता हूँ सिंपली क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जाना होगा और अपने ऐप को जो है मतलब टाइम टाइम पर उन एप्स को जो है रिसेट करना होगा। वो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले सेटिंग्स में चल जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए सॉरी मैं अच्छे से क्लिक नहीं हुआ, सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन मैनेजर आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा, एप्स जो है किसी में लिखा हुआ था, किसी में एप्लीकेशन मैनेजर लिखा हुआ, तो एप्स वाले पर आपको क्लिक करना है जिसमें आपको इंस्टॉलेड ऐप आ जाते हैं इस तरह से, और उसके बाद में देखिए ऑन हो रहा है। उसके बाद जो भी आपके जितने भी ऐप उनका मतलब मैं तो कहता हूँ 1 मंथ से ही आप उनको जो है रिकवर करते रहे, यहाँ से देखिए जैसे मैं अमेज़न है उस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है डिसेबल, दूसरा आता है फोर्स स्टॉप। आपको सिंपली क्या करना होगा, नीचे जाना है ऐप डिटेल्स में, आपको जाने के बाद में आपको नोटिफिकेशन जो है ब्लॉक वगैरह का जो है ऑप्शन मिलेगा, एप्स डिटेल्स में जाने के बाद में देख कई एप्स है जिनकी जो है आपको जो है क्या होगा कि एप्स की जो डिटेल्स है वो नहीं दिए गए, डायरेक्ट क्लियर चैट का ऑप्शन उसमें आएगा, तो यहाँ से आप अपने एप्स को जो है अपडेट रखिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या करना होगा, तो आप इस तरह से देखिए अपने एप्स का जो है बैकअप बनाकर रखें, और अपने ऐप की जो मतलब जो भी सिस्टम है जो आपको नोटिफिकेशन देता है यहाँ से अपनी नोटिफिकेशन ऑन ऑफ रखें। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसी के साथ साथ आपको ये भी करना होगा अपने जो है चैट वगैरह जो उनकी क्लियर करते रहे, जैसे चैटिंग मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हो उनकी जो है चैट जो है क्लियर करते रहे टाइम टू टाइम, जिससे आपका फोन जो है हमेशा सेफ रह सके और आपका जो है बैकअप बराबर बना रखे। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।